हमें IITs में भी नहीं मिलती है, जैसे जहाँ पे तुम्हें एक पर्सनल i7 कंप्यूटर मिलता है। सो वेलकम बैक गाइज, वेलकम टू आर न्यू वीडियो। और ये वीडियो पूरी की पूरी डेडिकेट करता हूँ मैं जूनियर्स को, क्योंकि अब जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आने वाले नए और पन्नगर यूनिवर्सिटी में जिन्होंने नया नया एडमिशन लिया है, उनको ये कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। ज़रूरी इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी होगी यहाँ आए तो, जिन्होंने कुछ नहीं सोचा कि जिनको क्या करना है, तो उनके लिए भी एक थोड़ी सी हेल्पफुल वीडियो बन जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में आते ही क्या चीज़ें करें और क्या चीज़ें ना करें। सबसे पहले, अगर अपने घर से दूर आए हो तो कुछ सीख के जाओ। काफ़ी डाइवर्स माहौल है, जैसे कि तुम जानते ही हो बहुत सारे कॉलेजेस हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स तुम्हें ग्रुप देखने को मिलेंगे। इसी डाइवर्सिटी को तुम्हें एक्सपीरियंस करना है कि कैसे अलग अलग माइंड वर्क करते हैं। तो आना, इंटरेक्ट करना लोगों से, अपने सीनियर से इंटरेक्ट करना, काफ़ी चीज़ें वो सीखने को मिलती है। अब अपनी पर्टिकुलर ब्रांच के सीनियर से तो ज़रूर मिलना, उनसे गाइडेंस लेते रहना। तो जैसे कि मैं भी बीटेक बायोटेक थर्ड ईयर में हूँ, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मेरे सीनियर्स ने कैसा बिहेवियर था उनका मेरे साथ। तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे मेरे सीनियर्स, और जितना भी मतलब उन्होंने धीरे धीरे मेरे को चीज़ें बताई हैं, और जहाँ जहाँ मेरे को उन्होंने कहा है पार्टिसिपेट करने को, मैंने वहाँ वहाँ पार्टिसिपेट किया है और मेरे को रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिले हैं। जैसे कि अगर तुम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए तुम काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ ज्वाइन कर सकते हो, और उससे तुम्हारा फ़ायदा क्या होगा, तो तुम्हें क्या होगा, इंटरेक्ट करने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा नए लोगों से, अलग अलग फील्ड के लोगों से तुम्हें मिलने का मौका मिलेगा। तुम सबको फिर पर्सपेक्टिव मिलेगा एक दूसरी ब्रांच वाले स्टूडेंट का, वो क्या सोचता है और किस तरीके से वो ग्रो कर रहा है। क्योंकि देखो, ग्रो करने के लिए खाली एक ही फील्ड ज़रूरी नहीं है कि तुम आओ और पढ़ाई करने बैठ गए और पढ़ ही रहे हो पूरे 4 साल, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तुम पढ़ सकते हो, रात को पढ़ सकते हो, अपने खाली टाइम पर पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर तुम सोसाइटीज़ वगैरह ज्वाइन भी करोगे तो इससे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि तुम्हारा कोई नुकसान है या तुम्हारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अपना टाइम दो, हर जगह दो, क्योंकि तुम फर्स्ट ईयर में हो अभी, और तुम्हें एक्सपीरियंस करना है कि तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है, तुम क्या कर सकते हो। IDP नाहिब में तुम जा सकते हो। जो जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें IDP नाहिब प्रोवाइड कर रहा है पन्नगर यूनिवर्सिटी में, वो शायद हमें IITs में भी नहीं मिलती है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज की। काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जो इंडिया से फॉरेन जा रहे हैं, वो भी फुली फंडेड प्रोग्राम में, और वो अवेलेबल हो पा रहा है स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ IDP नाहिब की वजह से। काफ़ी ज़्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज़ हमारे IDP नाहिब में होते हैं। कोर्सेज से मेरा मतलब है जैसे वहाँ पे फ्रेंच क्लास, जर्मन क्लास, ये सब हमें सिखाई जाती है, और एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, और वो सर्टिफिकेट तुम अपना इंटरनेशनल लेवल पे भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें हैं जो फर्स्ट ईयर में मेरे हिसाब से पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने फर्स्ट ईयर में यही चीज़ें मिस करी है, ये हमने फिर सेकंड ईयर में करा है। सबसे बढ़िया बात यहाँ की हमारे डिपार्टमेंट की, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट की है कि जो हमारे प्रोफेसर्स हैं हमारी लैब में, वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, और उन्होंने जो जो काम कर रखे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। तो मेरे को लगता है कि उनसे जाके भी इंटरेक्ट करना चाहिए हमें प्रोफेसर से, क्योंकि वो बहुत कुछ सीखे होते हैं और उनमें उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि हमें ईजीली गाइड कर सकते हैं हमारे करियर से रिलेटेड। जैसे कि अगर मुझे बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में आगे काम करना है, तो शायद उनसे अच्छी नॉलेज मुझे कोई नहीं बता पाएगा इस फील्ड के बारे में, और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरे प्रोफेसर्स ने मेरे को काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया है। जब भी मैं लैब में गया, उन्होंने, हमारी लैब में इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली रहते हैं, पर उन्होंने कभी मेरे को ऐसा भी फील नहीं हुआ है कि मेरे को इक्विपमेंट्स यूज़ करने नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके के फ़ायदे मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक प्रोफेसर से इंटरेक्ट करने के। बाकी बात रही हमें हॉस्टल की, तो हॉस्टल में हमें क्या क्या चीज़ें मेंटेन करके रखनी पड़ती है। यार, सबसे पहली बात है तुम्हारी हेल्थ। हम कॉलेज तो हॉस्टल आ जाते हैं, लेकिन अब घर जैसा एनवायरनमेंट तो नहीं हो पाता है। रात को भूख लगने लगती है, तो फिर उस टाइम जो बेचैनी होती है वो तो यार तुम्हें आके ही फील होगी। तो ऐसी चीज़ें जो तुम्हें धीरे धीरे एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, तो मैं तुम्हें पहले से ही बता दे रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल ही रहेगी। और हमारी पन्नगर की यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो पन्नगर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में अलग क्या है, ये एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक लाइब्रेरी है, और यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं यार, और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है पढ़ने का, वो शायद और कहीं मिलेगा ही नहीं, इतना सही इन्वायरमेंट है। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल कंप्यूटिंग फैसिलिटी की। अब इस बात को मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरी पर्सनल फेवरेट जगह है, जहाँ पे तुम्हें एक पर्सनल i7 कंप्यूटर मिलता है। एक i7 कंप्यूटर के साथ साथ तुम्हें क्या मिलता है, इंटरनेट भी मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि हम वहाँ जाते हैं प्रॉपर गर्मी में, यहाँ तो हॉस्टल्स वगैरह में गर्मी बहुत होती है, तो वहाँ जाओ AC वगैरह चलता है, प्रॉपर वहाँ जाके तुम पढ़ाई कर सकते हो, या फिर तुम्हें कोई कोडिंग वगैरह करनी है तुम वो भी कर सकते हो। i7 कंप्यूटर तुम्हें मिल ही रहा है, और एक एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे तुम देखते हो कि सारे बच्चे अलग अलग कोर्सेज की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि
बहुत कम होता है ऐसे कि तुम यहाँ देखोगे कि बच्चा अपनी तैयारी कर रहा है वो भी हॉस्टल में बैठ के, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो आते हैं हॉस्टल और सिर्फ वो क्लासेस नहीं जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो सो रहे हैं इस वक्त। तो बिल्कुल ऐसा काम मत करना, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, लेकिन बाहर घूमो, थोड़ा देख के आओ क्या क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में, कैसी कैसी रिसर्च चल रही है। हमारे डिपार्टमेंट में जैसे बहुत अच्छे अच्छे लेवल की रिसर्च चल रही है एग्रीकल्चर पे, तो वो सब चीज़ें देखने में थोड़ा सा मज़ा तो आता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्टेडियम की, और फिर से कह रहा हूँ स्टेडियम मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ज़्यादा तो नहीं जा पाया फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, क्योंकि पता नहीं था हमें कि स्टेडियम में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, और मुझे ये लगता है कि हमें स्टार्टिंग से ही जाना चाहिए स्टेडियम, रोज़ रनिंग करने चले जाओ या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलने चले जाओ तो स्टेडियम जाओ, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे और बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है तुम्हें। फिर कोई बात, तुम्हें गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? तुम्हारे सीनियर से मिलेगी। पर मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसे सीन भी आएंगे कि तुम्हें सीनियर्स के साथ ज़्यादा नहीं रहना, वो भी तुम्हें धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो वो चीज़ को मेरे ध्यान रखना कि कहाँ पे तुम्हें जाना है, कहाँ पे तुम्हें नहीं जाना है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। गलत आदतों में नहीं पड़ना है, वो भी तुम्हारे ऊपर है। तो अपने सीनियर्स थोड़ा वाइसली सेलेक्ट करें, क्योंकि सीनियर्स का काम होता है अपने जूनियर्स की हेल्प करना, और मेरे केस में सीनियर्स ने हेल्प करी है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और फाइनल बात, मैं अपने जूनियर से ये करना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर में आओ, सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट करो। जितना तुम जिन जिन जगहों में पार्टिसिपेट करोगे, अलग अलग जगहों में अलग अलग फील्ड में पार्टिसिपेट करोगे, उससे क्या होगा, उससे तुम्हारा ही फ़ायदा होगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और ये तुम्हें हेल्प करेंगी तुम्हारे फ्यूचर में, तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, और तुम्हें एक पर्सपेक्टिव देंगी कि लाइफ में कितना कुछ है करने को। तो काफ़ी बच्चे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में आते हैं और थोड़ा सा एनवायरनमेंट के साथ ढल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पार्टिसिपेट करो, सोसाइटी ज्वाइन करो, नए नए लोगों से मिलो, उनसे इंटरेक्ट करो, और तुम देखोगे कि कितने लोग पन्नगर में कुछ ऐसे स्टार्टअप भी कर रहे हैं लोग कि जिनसे उनका अच्छी खासी अर्निंग भी हो रही है। तो इस तरीके के लोगों से भी मिलो, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने बोला था, अपने सीनियर्स जो है वो अच्छे से चूज़ करना। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, ये बातें मैं सीधा बोल रहा हूँ, तो इस बात को ध्यान रखना। और मेरे को पर्सनली सीनियर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, तो इंटरेक्शन तो ज़रूरी है। तो बाकी आज मैंने वीडियो थोड़ा शॉर्ट में बना दिया है, किसी को कोई भी दिक्कत आएगी जूनियर्स को, तुम फ्री हो, मेरे को मैसेज कर देना कहीं पे भी, इंस्टाग्राम पे या यहाँ पे कमेंट कर देना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट ईयर में आए हो तो पूरा एंजॉय करना, जितना हो सके उतना घूमना, जितना हो सके उतनी पढ़ाई करना, और अच्छी अच्छी जगह जाना, जैसे IDP नाहिप हो गया, लाइब्रेरी हो गया, CCF हो गया, सेंट्रल कंप्यूटिंग फैसिलिटी हो गई हमारी, हमारा स्टेडियम हो गया, और बड़ी मार्केट हो गया, छोटी मार्केट हो गया। ये जगह इसलिए बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे खाने का सामान मिलता है, तो वो भी ज़रूरी है। चलो, तुम्हें अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं शिमांशु भाई, तो तुम्हें उनसे भी मिलवाते हैं। आओ शिमांशु भाई, शिमांशु भाई भी आ चुके हैं हमारे। तो शिमांशु भाई, क्या जूनियर्स को बताना चाहोगे तुम? जूनियर्स को यही बताना चाहूँगा कि भाई, जब आओगे तुम कॉलेज में, तो सबसे पहले तो तुम देख लेना कैसा है यहाँ का माहौल सब। बिल्कुल यार, फिर उस हिसाब से तुम खुद को एडजस्ट कर लेना, बाकी वही पढ़ाई भी करते रहो, खेलते कूदते रहो, और जो चीज़ तुमको पसंद है, जो तुम करना चाहते हो, जैसे कुछ भी, जो भी टैलेंट है तुम्हारा, जो कुछ है उसको फॉलो करो अपने। और यही कहूँगा कि खेलो कूदो और पढ़ाई भी करते रहो और जिम जाओ, सोसाइटी। शेरू भाई जिम करते हैं तो जिम तो ज़रूर जाना, शेरू भाई मिलेंगे तो जिम वगैरह भी जाओ, और वहाँ पर यार जिम बहुत तगड़ा है यार, इसको मिस मत करना, लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है। तो जिम वगैरह जाओ और वहाँ तुम्हें हमारे शिमांशु भाई मिलेंगे, कोई भी दिक्कत होगी तो शेमू भाई हमेशा तुम्हें वहाँ मिलेंगे। क्यों शिमांशु भाई, हाँ हेल्प करोगे जूनियर्स की? हाँ बिल्कुल। तो डोले शोले बनाने हो तो शिमांशु भाई को कॉन्टैक्ट कर लो, जिम बहुत तगड़ा है हमारा, जिम का भी देख लेना, किसी दिन मन करेगा तो बना लेंगे वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। चलो बाय बाय।